अब हमारा टॉपिक आता है हाइंड ब्रेन। अभी तक ब्रेन में हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा था, अब हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं ब्रेन के, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर सेरिबेलम। सेरिबेलम फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, वह हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी बॉडी का पॉस्चर क्या होगा, बॉडी बैलेंस कैसे होगी, कोऑर्डिनेशन कैसा है, या हमारी स्पीच कैसी है। तो हमारी स्मूथ और बैलेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटी को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। सेरिबेलम के बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, वो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग रेट या फिर डाइजेशन या फिर हार्ट और ब्लड वेसल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हम खाना स्वॉलो कैसे करते हैं या जो हमें छींक आती है, ये सारा कुछ हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। इसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स को ही कलेक्टिवली हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। और याद रखें कि जो हमारा मिड ब्रेन है, जो पॉन्स है और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसको कलेक्टिवली हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं।